प्रेज द लॉर्ड, आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर सुबह के लिए जो परमेश्वर हमारे पिता ने हमारे जीवनों में दी। हम सब आनंदित हैं कि हम उस महान परमेश्वर के साथ संगति करने को तैयार हैं। आइए आज की सुबह में हम अपने महान परमेश्वर का धन्यवाद करें, उस परमेश्वर से मिलकर प्रार्थना करें, उससे अपने मन की बातों को कहें। आज की सुबह में हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे आपके परिवार के लिए, आपकी दुख बीमारी विपत्तियों के लिए हम उस महान परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। और आप भी हमारे साथ मिलकर इस प्रार्थना को करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में भी अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करें। आइए आज की सुबह में हम सब मिलकर अपने ध्यान को प्रभु के वचन पर लगाएं और परमेश्वर के जीवित वचन को सुनें और उसके बाद हम सब मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, आज सुबह में मैं एक गवाही से आपको उत्साहित करना चाहूंगा। भाई ने हमें बताया कि उन्हें चक्कर आने की परेशानी थी और वो दिमागी रूप से परेशान थे, परंतु जब से उन्होंने प्रार्थना सुनना शुरू किया और प्रार्थना करना शुरू किया, परमेश्वर ने उन्हें कंप्लीटली हील कर दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें पूर्ण रूप से चंगा कर दिया। मेरे प्रियो, हमारे परमेश्वर के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है। आज सुबह में मैं आपसे बात करना चाहूंगा राजा आसा के बारे में। दूसरा इतिहास उसके 14 और 15 अध्याय में हम राजा आसा के बारे में पढ़ते हैं। राजा आसा जब इज़राइल पर राजा बना, उससे पहले इज़राइल में बहुत गलत गलत काम हुआ करते थे और इज़राइल में लड़ाई झगड़े थे, अशांति थी, लोगों के बीच में कोलाहल था और वो परमेश्वर से दूर चले गए थे। कोई भी परमेश्वर की ओर नहीं था, परमेश्वर के मार्ग पर चलने वाला नहीं था। परंतु जब आसा इज़राइल का राजा बना तो उसने वो किया जो परमेश्वर की दृष्टि में सही था। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि आसा ने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में सही था। और मेरे प्रियो, उसने जितनी भी चीजें थी जो परमेश्वर से उन्हें इज़राइलियों को दूर लेके जा रही थी, उन सबको उसने हटा दिया और उसने आज्ञा निकाली कि हर कोई परमेश्वर की खोज करे, जो परमेश्वर की खोज न करेगा उसे मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए सारे इजरायली लोग परमेश्वर की खोज में लग गए और जब वे परमेश्वर की खोज में लगे, आसा के समय में 45 सालों तक उस देश में शांति बनी रही, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ। चारों तरफ से परमेश्वर ने राजा आसा को विश्राम दिया और परमेश्वर ने उसे समृद्ध किया, उन्हें और मजबूत किया, उन्हें बढ़ाया, उन्हें सामर्थ्य किया। उनके पूरे देश में शांति बनी रही, मेल मिलाप बना रहा, प्रेम बना रहा और वो समृद्ध होते चले गए, धनवान होते चले गए। कोई भी लड़ाई झगड़ा इन 45 वर्षों में उनके बीच में नहीं हुआ। दोस्तों, ये कैसे हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि राजा आसा ने परमेश्वर की खोज की। सारे इजरायलियों ने उस समय परमेश्वर की खोज की और जब उन्होंने परमेश्वर की खोज की तो परमेश्वर ने उन्हें शांति दी, परमेश्वर ने उन्हें समृद्ध किया, परमेश्वर ने उन्हें विश्राम दिया, परमेश्वर ने उनके जीवन से लड़ाई झगड़ों को दूर कर दिया। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से मैं आपसे भी कहना चाहूंगा, यदि आपके जीवन में अशांति है, यदि आपके परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, यदि आपके जीवन में कोई आराम नहीं है, विश्राम नहीं है, मैं आपसे कहना चाहूंगा, राजा आसा की तरह आप भी परमेश्वर की खोज करें, राजा आसा की तरह आप भी प्रभु यीशु मसीह की खोज करें, इज़राइलियों की तरह आप भी प्रभु यीशु मसीह की खोज करें, उसके वचन को पढ़ें, उससे प्रार्थना करें। निश्चय परमेश्वर आपको भी राजा आसा की तरह शांति देगा, आपके जीवन को विश्राम देगा, आपके जीवन के हर एक लड़ाई झगड़े को, हर एक परेशानी को परमेश्वर दूर करेगा और आपके जीवन को असीम शांति से भर देगा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहूंगा कि परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर की खोज करें। परमेश्वर की खोज करना मतलब उसके वचन का अध्ययन करना, उसकी बातों पर चलना, उसकी आज्ञाओं पर चलना, उससे प्रार्थना करना, उसके इच्छा के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। मेरे प्रियो, जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो आपको शिरोमणि ठहराएगा, वो आपके जीवन को समृद्ध करेगा और आपके जीवन में किसी भी भली प्रकार की घटी कमी नहीं रहेगी। इसलिए राजा आसा की तरह परमेश्वर की खोज में लग जाएं। हर प्रकार की उत्तम आशीष ज्योतियों के पिता यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की ओर से ही आती है। यदि आप अपने जीवन में इस प्रकार के आशीषों को चाहते हैं,
यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में शांति रहे, यदि आप चाहते हैं आपके परिवार में मेल मिलाप रहे, यदि आप चाहते हैं आपको चारों तरफ से विश्राम मिले, यदि आप चाहते हैं आप सुख चैन से जिए, तो मेरे प्रियो मैं आपसे कहना चाहूंगा परमेश्वर की खोज करें, परमेश्वर की खोज करें, प्रभु यीशु मसीह की खोज करें। बाइबल कहती है पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। मेरे प्रियो जिस प्रकार से राजा आसा ने परमेश्वर की खोज की, उसी प्रकार से आप भी उसकी खोज करें, वो करें जो परमेश्वर की दृष्टि में सही हो। जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे, समृद्ध करेंगे, शांति देंगे। प्रभु आपको आशीष दे, आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करके अपने ध्यान को प्रभु परमेश्वर की ओर लगाएं और उससे प्रार्थना करें। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, धन्यवाद 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 करते हैं जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर प्रभु, इस सुंदर समय के लिए मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन, ओ मेरे स्वर्गीय पिता, ओ हमारे पवित्र पवित्र अति पवित्र और प्रेमी परमेश्वर, दयालु और धर्मी परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद कि तू हमारा मुक्ति का सींग है प्रभु, धन्यवाद करते हमारा उद्धार करने वाला परमेश्वर, ओ हालेलुया। आज की सुबह में हम सब मिलकर परमेश्वर का धन्यवाद करें, एक स्वर में हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, हम अपने मन को तेरी ओर उठाते हैं प्रभु और तुझ पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया, ये भाई ये बहन अपने मन को तेरी ओर उठाएं और तुझ पर विश्वास करें। हालेलुया, धन्यवाद करते परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते प्रभु कि तू हमें बचाने वाला परमेश्वर है, हमें नया जीवन देने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद कि प्रतिदिन के बोझ को उठाने वाला परमेश्वर ईश्वर है, धन्यवाद हमें नई नई और भली वस्तुओं से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद करते यीशु पिता, धन्यवाद हमें लज्जित होने से बचाने वाला, हमारे पैरों को स्थिर करने वाला परमेश्वर है मेरे खुदावन, हर एक बंद दरवाजों को हमारे लिए खोलने वाला परमेश्वर है, धन्यवाद शत्रुओं के हाथ से हमें बचाने वाला, हमारे पक्ष से लड़ने वाला, ओ मेरे पिता तू परमेश्वर, तू वो महान परमेश्वर की जो हमारी ओर से लड़ता है, तू ही हमारी आड़ है, तू ही हमारी ढाल है, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, तू हमारी मजबूत शहरपना है लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे खुदावन। आज की सुबह में मेरे खुदावन यीशु मसीह अपने सत्य पर हम सबको चला, अपनी ज्ञान बुद्धि समझ से हमें भर दे मेरे प्रभु जी, होने दे मेरे खुदावन यीशु मसीह, ये भाई ये बहन प्रभु जी तेरे सत्य के मार्ग में चले, अपने भरोसे को तुझ पर रखें और प्रभु तुझे अपने जीवन का आधार माने लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर तेरी दया के लिए, तेरी भलाइयों के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरी करुणा के लिए पिता परमेश्वर, तेरी नम्रता के लिए पिता, धन्यवाद करते तेरी सामर्थ के लिए प्रभु, जिस सामर्थ से आपने हम सबको भरा, आज की सुबह में अपनी सामर्थ से हमें भर दीजिए, हाँ पिता इस भाई इस बहन को भर दीजिए मेरे पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर की सच में प्रभु जी तू हमारा जीवन दाता, मुक्ति दाता, हमारा सृजनहार है मेरे प्रभु जी, हमारे अधर्मों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारे जवानी के पापों को तू क्षमा करने वाला परमेश्वर है पिता, हमारे पैर को प्रभु जी टलने से बचाने वाला परमेश्वर है, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर वचन के लिए मेरे खुदावन, जो प्रभु वचन प्रभु हमारे बीच में आया, धन्यवाद पिता कि तूने हमें सुनने वाले कान दिए, ग्रहण करने वाला हृदय दिया, और प्रभु धन्यवाद कि ये वचन हम सबके जीवनों में प्रैक्टिकली वर्क करे, इस भाई इस बहन के जीवन में ये वचन फलवंत होने पाए प्रभु, ये तेरे वचन के अनुसार अपने जीवन में चले मेरे पिता, तेरे वचन प्रभु इनके लिए प्रभु दीपक का काम करे मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते लॉर्ड, जिस प्रकार प्रभु हमने आशा राजा के बारे में सुना कि सच में मेरे खुदावन उसने वो अपने जीवन में किया जो तेरी नजरों में भला था प्रभु जी, हाँ मेरे खुदावन यीशु मसीह, आज की सुबह में पिता ये भाई ये बहन इनके परिवार के हर एक सदस्य उस काम को करे मेरे पिता परमेश्वर जो तेरी दृष्टि में सही है मेरे पिता, जो तेरी दृष्टि में भला है पिता परमेश्वर, कोई भी परमेश्वर ऐसा काम जो तेरे विरोध में होता है वो काम ये करने ना पाए पिता परमेश्वर, मेरे प्रभु जी आप इन्हें प्रभु जी उस काम को करने में शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करें पिता, जो प्रभु जी आपकी नजरों में सही है मेरे खुदावन, कि सुबह में मेरे परमेश्वर इस भाई इस बहन को पिता अपनी उपस्थिति से भर दीजिए, आपके लहू में इन्हें ढांपते हैं, हर एक खतरे मुसीबतों से, हर एक दुर्घटना से, हर एक दुष्ट के कामों से आप इन्हें बचाएं परमेश्वर, पवित्र आत्मा से भर दीजिए पिता, होली स्पिरिट हम इनवाइट
करते हैं। आज के दिन भर में हर एक काम को करने के लिए पवित्र आत्मा हम आपकी सहायता को मांगते हैं, आपकी मदद को मांगते। पवित्र आत्मा हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा हमारी हमें सामर्थ्य दें और परमेश्वर की उपस्थिति में हमें बढ़ाएं, उससे प्रार्थना करना सिखाइए। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। और प्रभु जिस प्रकार आशा राजा ने प्रभु उन कामों को किया पिता और वो प्रभावशाली हुआ पिता परमेश्वर, उसी प्रकार प्रभु जी ये भाई और ये बहन भी अपने जीवन में प्रभावशाली हो पिता, ये तेरे राज्य की खोज करें मेरे खुदावंद यीशु मसीह, जैसे आशा राजा ने खोज की और पिता परमेश्वर उसका जीवन सफल हुआ, आशीषित हुआ, उसी प्रकार ये भाई ये बहन पिता तेरे राज्य और तेरे धार्मिकता की खोज करें मेरे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जो कुछ भी प्रभु इन्हें इनके संसार में जरूरत है, जो भी इनकी आवश्यकताएं हैं प्रभु वो पूरी हो और ये आशीषित हो पिता परमेश्वर। प्रभु तेरी खोज करके ये जीवन में सफल हो मेरे पिता, इनके हर एक काम में प्रभु ये सफल हो, ये प्रभावशाली हो और पिता परमेश्वर कहीं भी प्रभु इनके जीवन में असफलता ना आए। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड फादर, प्रभु हर एक गलत काम को आप इनके जीवन से दूर करें, हर एक व्यभिचार को, हर एक प्रभु गलत संगति को, हर एक दुष्ट के कामों को, हर एक एडिक्शन को मेरे प्रभु आप इनके जीवनों से दूर करें, हर एक कलेश हर एक लड़ाई झगड़ों को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे पिता परमेश्वर, हर एक अशांति को आप इनके जीवन से दूर करें मेरे प्रभु। जिस प्रकार प्रभु आशा राजा ने तेरी ओर देखा और तुझ पर विश्वास किया, हाँ प्रभु उसी प्रकार जब ये भाई ये बहन तुझ पर विश्वास करते हैं मेरे पिता, इनका जीवन भी ऐसा होने पाए प्रभु कि कोई भी लड़ाई झगड़े इनके परिवार में ना हो, कोई भी प्रभु जी कलेश इनके परिवार में ना हो, एडिक्शन में कोई इनके परिवार में ना रहे, दूरियां इनके परिवारों में ना रहे, गड़बड़ियां इनके परिवारों में ना रहे प्रभु जी, और पिता ये एकता मेल मिलाप और समृद्ध ये रहे मेरे पिता परमेश्वर। आप प्रभु आज की सुबह में इन्हें समृद्ध करें मेरे पिता, इन्हें प्रॉस्पर करें जीवन के हर एक क्षेत्र में, प्रॉस्पेरिटी को आप इनके जीवन में लाएं, समृद्धि को आप इनके परिवारों में इनके जीवनों में लाएं मेरे पिता। मेरे खुदा मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, मेरे पिता परमेश्वर जब ये अपने जीवन में मेरे खुदावंद यीशु मसीह थक चुके हैं पिता, बहुत ज्यादा परिश्रम करके बहुत सारे काम को करके मेरे पिता परमेश्वर जीवन में बहुत सारा स्ट्रगल करके प्रभु जी ये थक चुके हैं, तेरा वचन कहता है ए बोझ से दबे लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ परमेश्वर पिता आप इस भाई इस बहन को जब ये बोझ से तले, इनके ऊपर बहुत सारा बोझ है, उस बोझ को उठाकर प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप इन्हें प्रभु जी हाँ विश्राम दे मेरे पिता, इस भाई इस बहन को आप विश्राम दे मेरे खुदावन, जब ये थक चुके हैं अपने जीवन से, अपने परिवारों को देखकर अपनी परिस्थितियों को देखकर ये थक चुके हैं लॉर्ड, आप इन्हें विश्राम दें प्रभु, ये अपने बोझ को तुझ पर रखे मेरे पिता और प्रभु ये प्रभु विश्राम को पाएं। धन्यवाद करते परमेश्वर पिता, मेरे प्रभु आज के दिन में मेरे खुदावन अपनी सुख शांति समृद्धि को आप इनके परिवारों में दें, अपने आनंद को अपने इनके परिवारों में दें, आशीषों को इनके परिवारों में दें मेरे पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए, अच्छे दिन के लिए मेरे खुदावन, आज के दिन में प्रभु इनका दिन अच्छा होने पाए प्रभु जी, आज के दिन में इनके काम सफल होने पाए, आज के दिन में ये जिस काम को करें मेरे पिता वो सफल होने पाए मेरे प्रभु, आज के दिन में तेरी उपस्थिति इनके संग में बनी रहे। धन्यवाद करते प्रभु जी, आज के दिन में आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे प्रभु, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक पिता आप इन्हें अच्छा स्वास्थ्य दे मेरे खुदावन, और पिता परमेश्वर कोई भी दुख बीमारी विपत्ति इन पर ना पड़े, इनके परिवारों पर ना पड़े, हर एक बहेलियों के जाल से हर एक महामारी से आप इन्हें और इनके परिवारों को बचाएं परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, मेरे खुदावन आज के दिन में प्रभु जी इनकी घटी कमियों को और इनकी जरूरतों को प्रभु आज के दिन में आप पूरा करें, अपने महिमामय धन से इनकी सारी घटी कमियों को पूरा करें मेरे पिता। मैं दुआ करती हूँ यदि आज की सुबह में बीमार है, अस्वस्थ है पिता, दर्द शरीर में है, यीशु मसीह नासरी के नाम से हर एक बीमारी के ऊपर मैं अधिकार लेती हूँ, यीशु के नाम से इन बीमारियों के ऊपर अधिकार लेकर मैं डांट कर आज्ञा देती हूँ, इनके शरीरों से बीमारी निकल कर चले जाओ, मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ बीमारी निकल जाओ यीशु के नाम से, हर प्रकार का दर्द निकल जाओ यीशु के नाम से, मैं तुम्हें यीशु मसीह नासरी के नाम से आज्ञा देती हूँ। धन्यवाद करते परमेश्वर, हर एक बीमारी हर एक दुर्बलता हर एक कमजोरी आपने इनके शरीर से दूर कर दिया पिता परमेश्वर, हर एक दर्द आपने इनके शरीर से दूर कर दिया पिता,
आपने इन्हें भला चंगा कर दिया है, आपने इन्हें छू लिया है, आपने इनके दर्द को, इनके हर एक प्रकार की बीमारी को जो इनके शरीरों में पाई जाती है उसे आपने नष्ट कर दिया। पिता तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन चंगे हो गए हैं, तेरे नाम से ब्लेस करते हैं, अच्छा स्वास्थ्य इन्हें दे पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। मेरे प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज के दिन में हर एक दुर्घटना से, हर एक खतरे मुसीबतों से आप इन्हें और इनके परिवार को प्रोटेक्ट करें, इस वायरस से आप इन्हें और इनके परिवार को प्रोटेक्ट करें, जब घरों से बाहर निकलते हैं आने जाने में आप इनकी रक्षा हिफाजत करें प्रभु, धन्यवाद करते परमेश्वर पिता। प्रभु जिस समय प्रभु जो भाई बहन मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, जो कमेंट्स कर रहे हैं, उनके निवेदनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें, ये जिस किसी बात के लिए प्रार्थना कर रहे लॉर्ड आप इनकी प्रार्थना का उत्तर दें, आप इनकी सुधि लें और आप इनके जीवनों को आशीषित करें, इनके जीवनों में आशीष बरकत को दे मेरे परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। सारी बातों में आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे, आप निरंतर हमारे साथ प्रार्थनाओं में शामिल हुए ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में बड़े बड़े और आश्चर्य कर्मों को करें।